फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो भी बिल्लू टॉक्स की होने वाली है। तो बिल्लू टॉक्स की काफ़ी सारी मैं वीडियो पे रिएक्ट करता हूँ क्योंकि वो गोदी मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं। तो आज भी बिल्लू टॉक्स की वीडियो पे हम रिएक्ट करेंगे। इनके चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। बहुत अच्छी बहुत अमेजिंग वीडियोज हमारे लिए लाते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये काफ़ी दिन से ऑफलाइन थे, काफ़ी दिन से वीडियोज बना रहे थे, पर इनकी वीडियो अब आने लगी है। इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत करते हैं वीडियो को एडिट करने में और काफ़ी अच्छी वीडियोज हमारे लिए लाते हैं। तो चलो आज भी जो वीडियो है वो गोदी मीडिया के ऊपर होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है आज की। तो चलो वीडियो देखते हैं, अब बाद में फिर वीडियो के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए सेकुलर होने का ड्रामा तो बहुत करते हैं, लेकिन वो लोग अंदर से कुछ और ही होते हैं। फिर भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर इन सब पॉलिटिशियंस का क्या कहना है और इनके क्या क्या ओपिनियंस है आप इस वीडियो में जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम। वाह क्या सीन है। وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللہ ہم سارے مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا دے اللہ ہم سب میں اتفاق اتحاد بنا دے اللہ مرحوم راج شیکھر ریڈی صاحب کے صاحبزادے بھائی جگن موہن ریڈی کو سی ایم بنا دے مولانا اسی طرح ہمارے جگن موہن ریڈی صاحب کے زمانے میں خوب بارش برسا کون فیا کون کے مالک ہمارے جگن موہن ریڈی صاحب کے بارش میں خوب بارش برسا اے اللہ ان کے اللہ ایسا سکون امن جیسا عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی خلافت کیے ایسے خلافت ہمارے جگن موہن ریڈی صاحب کو عطا فرما کچھ زیادہ نہیں ہو گیا مطلب کچھ بھی اپنا ایک دعا کروین ममता कहते पीछे जा सकती है। मोदी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नामदार ने ये कहा आवाज कमारी कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। रुको जरा, सबर करो। एंड दैट द फर्स्ट टू नेम्स डू नॉट कंपैशनेट एंड मर्सीफुल। अल्लाह इज रहमान एंड रहीम। ये अल्लाह तेरी रहमत, ये अल्लाह तेरी रहमत। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था। खुदा का पैगाम, पैगंबरों, भारत के उलेमा, इस्लामिक स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स सही रास्ता दिखाया है। मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। लो केजरीवाल जी पीछे खतरा रहने वाले थे, केजरीवाल जो सजा आगे आएंगे। वो बहुत गलत था, वो के कुछ लोगों को आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए उन लोगों ने ये सब किया। मेरा ये कहना है अगर आपको हमें ही बदनाम करना था आप किसी और चीज से बदनाम कर लेते, लेकिन आप कुरान को बेअदबी करने की क्या जरूरत है। कुरान केवल मुसलमानों के लिए पाक नहीं है, वो हिंदुओं के लिए भी पाक है, वो सिखों के लिए भी पाक है, वो क्रिश्चियंस के लिए भी पाक है। हम सब लोगों के लिए कुरान भी पाक है, गीता भी पाक है, बाइबल भी पवित्र है। कोई भी अगर व्यक्ति कहता है कि मैं हिंदू हूं और मैं ये करूंगा, मेरा मानना है कि कोई भी सच्चा हिंदू कभी भी कुरान को नापाक नहीं कर सकता, बाइबल को बेअदबी नहीं कर सकता, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी नहीं कर सकता। सच्चा हिंदू वो है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों को प्यार करता है और सभी धर्मों को फलने फूलने की इजाजत देता है। तो मुझे बहुत दुख हुआ और आज पूरे दिल से अल्लाह ताला से इफ्तार के इस वक्त दुआ मांगते हैं कि अलग अलग धर्मों के बीच में जो नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मलेरकोटला की सभा में बोली हुई बात है। मलेरकोटला पंजाब की ऐसी जगह है जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी काफी रहती है। हमारा भगवान मंदिर में है, हमारा भगवान पूरी दुनिया में है, मस्जिद में है, चर्च में है, गुरुद्वारे में है, सब जगह। तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। चाहे रमजान का महीना हो, चाहे छठ हो,
दिवाली हो, हर चीज जो है हम लोग मिलजुल करके बुला लो, ले लेना। जब छठ मेरी माँ किया करती थी तो सब लोग आते थे, अर्घ दिया करते थे, तो इसमें कोई तो खुशी का पल है। और ये शांति अमन चैन सभी धर्मों के प्रति रहे, यही हम लोगों की कामना है। सुन के अच्छा लगा। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं, ये टकराव होगा, जरूर होगा। टोपी पहनने से इनकार कर दे रहे हैं और उन्होंने टोपी लौटा दी। इससे पहले पीएम मोदी भी जब सीएम थे तो उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को टोपी पहनने दे। अल्लाह के ताला, अल्लाह ताला के फजल से कैसे बिजली के मामले में हम लोग बिल्कुल कामयाब रहे, अल्लाह के फजल से ये भी एक बड़ी कामयाबी हमें मिली है। इसी महीने के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट 45 लाख एकड़ में पानी देने वाला कालेश्वरम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह होने वाला है इंशाल्लाह, वो बिल्कुल कामयाब रहेंगे और हर तरफ तेलंगाना रियासत में अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला के फजल से, उनके करम से तेलंगाना में हर तरफ चंद ही दिनों में हमें हरियाली नजर आएगी, खुशहाली नजर आएगी, हमारे किसान खुश रहेंगे, हमारे आवाम खुश रहेंगे, पूरे रियासत खुश रहेंगे। और अल्लाह ताला से इस मुबारक मौके पर इतना ही मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे पूरे रियासत के तमाम आवाम को खुश रखे, अमन से रखे, शांति से रखे, प्यार मोहब्बत से रखे। अरे मैं अल्लाह के लिए काम करता रहा, अल्लाह के लिए ही काम करते करते दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत करते करते दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। गुलामान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों को उठाकर दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। अरे हम दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह के लिए काम करने वालों में से। अरे मैं जिंदा हूं, आप लोग जानते हैं कितने गोलियां लगी मुझे? 3 गोलियां लगी, एक गोली अभी भी है। इस पेट में कितने बार मारा गया? 42 मरतबा, 42 टाइम्स मारते गए। ये हाथ पे 24 मरतबा मारा गया, पूरा छिन्नियां कर दी। मेरे गुर्दे पे गोली लगी, चाकू लगी, गॉल ब्लैडर पेशाब की थैली फट गई, अंतनियां फट गए। ये फसलियां जो है ऐसे जाने के ऐसे हैं नीचे, यहां गोली है। सुनने को तो तकरीर अच्छी दिखती है, कितनी तकलीफ होती है मुखातिब करते करते मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है। याद रखो नौजवानों, ये जो दीन तुमको और हमको मिला, ये बहुत बड़ा सरमाया है, ये बहुत बड़ी दौलत है। ये दौलत ईमान की नौजवानों, ये किसी गार्डन पर चलकर नहीं मिला, किसी बादशाह के शीश महल में चलकर नहीं मिला। नौजवानों इस्लाम और हम तुमको हमको मिला है तो बद्र हुनैन से मिला है, जंगे खंदक से मिला है, ताइफ के उन मुसीबतों से मिला है, करबला के उन शहीदों के अजीम खून से मिला है, अहले बैत की कुर्बानियों से दौलत हमको मिली है। अब्बास अलमदार को अपने बाजू को कुर्बान करना पड़ा तब जाकर हमको ये हमारा सरमाया है, हमारी दौलत है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे। फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी ये, तो मैंने बताया था गोदी मीडिया के ऊपर वीडियो है, पर वो गोदी मीडिया के ऊपर वीडियो नहीं थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, जो स्टार्टिंग में बोला था मैंने। तो गोदी मीडिया के ऊपर वीडियो नहीं थी, ये थी जो पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिशियन है वो मुसलमानों को रिझाने के लिए, उनका वोट लेने के लिए क्या क्या कर लेते हैं, टोपी वोपी पहन लेते हैं, सब चीज़ कर लेते हैं, तो उसके ऊपर वीडियो थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बिल्लू टॉक्स की वीडियो थी, बिल्लू टॉक्स के चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप वीडियो में आपके लिए और लाओ तो मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बहुत सारा ध्यान रखिए, बाय बाय।